की डिमांड है सरकार की और उसको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, बता नहीं रहे हैं और सब गायब बाकी लोग कह रहा है इसको लेकर के, तो कई दिनों से नल कह रहे हैं भाई वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, तो इस पर तो नहीं तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी, तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ, देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, आई सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को आगे और बाकी चीजें होंगी, तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा, जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है, और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं, आपको पता है कब बना था, कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे, आई बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं? हम लोग तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं इसे ही, और जो नम्मा ले रहे हैं वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है, कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब। आप जा करके देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं, और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी, आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धे वो ठीक करते थे, अभी आ गया है लोग तब 20-21 साल से तीनों का हो गया, वहाँ राज किए एक राज्य में, अब फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है, तीनों का एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था, देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, आई बदलना चाह रहे हैं इसलिए तो हम अलग हो गए, और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को इधरा पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा, जो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब जरा देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए, अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का, अरे केंद्र से हो रहा कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, वो लोग कभी NDA चलाए हैं? अब NDA का नाम को हम कहा के लिए ले रहे हैं, वो तो अटल जी के टाइम का है, कभी बाद में मीटिंग नहीं किए, अब उनका कोई NDA अब है, अब तो नया बना है तो इसका ना महत्व है जी, आप समझिए ना लीजिए, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए हैं तो घबराहट में हैं, तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले।